हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, चाहे आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी से रिलेटेड मेरे चैनल पर थ्योरी सेशन, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, ऑनलाइनर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड डेली बेसिस पे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का प्रैक्टिस डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप क्वेश्चन का हल करते 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 अभ्यस्त हो जाएं, जिससे आप परीक्षा हाल में आपको ये न महसूस हो कि मैं परीक्षा देने आया हूँ, आपको लगे कि मैं डेली बेसिस पे क्वेश्चंस को हल करते आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आज के सेशन में जो 50 क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कि आज के सेशन में आप 2-4 क्वेश्चंस का भी आंसर न दे पाए, क्योंकि इस लेवल का क्वेश्चन है आज का, इसलिए मैं पहले बता दे रही हूँ। इसलिए वीडियो को धैर्यपूर्वक लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन का हल करा रही हूँ यूजीसी नेट लेवल का है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, साधारण क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं दोस्तों, एकदम घुमा फिरा के लंबे चौड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब तक आपको डीपली अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी 2-4 पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस वीडियो में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। भले आप एक भी क्वेश्चन का आंसर न दे पाएं इस सेशन में, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिए। और इस प्रकार के यदि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, तो इस हिसाब से आप उसका आंसर दे लेंगे। ये मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ज्यादातर आज के सेशन में। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक व्यक्ति सिनेमा जाना चाहता है, परंतु लोगों के अभद्र व्यवहार अथवा भीड़ भाड़ की स्थिति से बचना भी चाहता है, तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति में किस प्रकार के द्वंद की स्थिति पैदा हो जाती है? तो सिनेमा भी देखना चाहता है और वहां लोगों के अभद्र व्यवहार और भीड़ भाड़ की स्थिति से भी बचना चाहता है, तो इस प्रकार उसके अंदर द्वंद है, तो इस प्रकार व्यक्ति के किस प्रकार से द्वंद पैदा हो जाता है? तो इसको कहते हैं उपागम परिहार द्वंद, अप्रोच ऑफ अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है, एक ओर पहाड़ दूसरी ओर खाई वाली स्थितियां होती है, एक ओर पहाड़ और एक ओर खाई। जब ये हिंदी में आपको मुहावरा आता है तो क्या होता है, आगे कुआं पीछे खाई, यानी कोई रास्ता कोई उपाय ना होना। तो यहां एक ओर पहाड़ दूसरी ओर खाई की स्थितियां हैं, होती हैं, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा, इसको कहेंगे परिहार परिहार द्वंद, वो परिहार परिहार द्वंद में पड़ जाएगा, आगे खाई है पीछे पहाड़ है, ठीक है। ड्यूल अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों का सही, कौन सा कथन सही है? पहला है आपका स्वप्रभाविकता एक कार्य को करने की प्रेरणा के प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं, तो ये आपका राइट नहीं है। यहां पे दोस्तों घ राइट है, हम पहले से बता दे रहे हैं, यानी कि 2 और 3 राइट है, तो जो राइट है उसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें राइट है कि लक्ष्य निर्देशित क्रिया यानी गोल डाइवर्टेड एक्शन में बाधा से कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। जो भी लक्ष्य निर्देशित क्रिया है, अगर उसमें कोई बाधा डालता है तो फ्रस्ट्रेशन यानी कुंठा पैदा होती है, ये राइट है। एंड तीसरा है परिहार द्वंद की स्थिति में पलायन अधिक संभावना होती है, परिहार द्वंद की स्थिति में पलायन के अधिक संभावना होती है, ये दोनों राइट है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए,
और सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहां पे राइट आंसर है ख, एक दो और चार। तो पढ़ते हैं एक दो चार क्या है। पहला है आपका, कुछ दशाओं में पुरस्कार देना व्यक्ति की किसी कार्य करने की आंतरिक प्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन पर ऋणात्मक प्रभाव डाल सकता है। बात सही है दोस्तों, हर समय व्यक्ति को पुरस्कार पुरस्कार छोटे छोटे चीजों पर देते जा रहे हैं तो उसका जो कार्य क्षमता है वो घटेगा। किसी किसी सिचुएशन में पुरस्कार देना चाहिए। तो हर दशाओं में कुछ दशाओं में बार बार पुरस्कार देना व्यक्ति की कार्य क्षमता या आंतरिक जो प्रेरणा होती है उसमें ऋणात्मक प्रभाव डाल सकता है, राइट है। एंड दूसरा है उपागम उपागम द्वंद, यानी आगे पहाड़ एंड पीछे, आगे खाई पीछे पहाड़ वाली दशा से उच्च मात्रा में चिंता पैदा होती है। सही बात है, आपके पास कोई उपाय नहीं रहेगा, ज्यादा चिंता होगा। एंड चौथा है उपागम उपागम द्वंद में एक दिशा में थोड़ा आगे बढ़ना उसी दिशा में समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो ये आपका राइट है, और राइट कौन नहीं है। तीसरा, सक्षमता व्यक्ति का पर्यावरण की शक्तियों के प्रति समर्पण है, ये आपका गलत है, और ये सब राइट है। पांचवा क्वेश्चन है विकल्प को न चुन पाने की। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन का आंसर आप दे लेंगे, बस समझने वाली बात है, और इसी समझ के बेस पर आपको एमपी टेट में सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, खासकर प्राइमरी वाले में। तो विकल्प को न चुन पाने की अक्षमता जो एक साथ कई लक्ष्यों इच्छाओं और आवश्यकताओं की उपस्थिति होने के कारण पैदा होता है, यह स्थिति क्या है। दोस्तों उसके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे करने की चीजें हैं, कई सारे लक्ष्य हैं, उसमें से किसी एक को नहीं चुन पा रहा है, द्वंद में पड़ा हुआ है, द्विधा में पड़ा हुआ है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं द्वंद यानी द्विधा, ड्यूनिटी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहां पे दोस्तों पढ़ना है आपको ऑप्शन को कि क है उपलब्धि अभिप्रेरक यानी अचीवमेंट मोटिवेटर, किसी प्रतिस्पर्धात्मक यानी कॉम्पिटेटिव स्थिति में उत्कृष्टता की ओर उन्मुख प्रयास से संबंधित होता है। तो सही बात है, जो एक उपलब्धि अभिप्रेरक होती है किसी कंपटीशन में उत्कृष्टता प्राप्त करने की ओर उन्मुख होती है, ये राइट है। ख है संबद्धता का अभिप्रेरक, लोगों से जुड़ने पर बल देता है। सही बात है, संबंध रहेंगे यानी कि एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ग है सामर्थ्य अभिप्रेरक का तात्पर्य दूसरे पर नियंत्रण करने की इच्छा से है। सभी राइट है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन राइट है। नेक्स्ट है सदृश सदृश द्वंद, लाइक लाइक कॉन्फ्लिक्ट से आशा यानी होप भंग होना उदाहरण है। तो यह दोस्तों है उदाहरण व्यक्तिगत अवरोध का यानी कि पर्सनल इनहिबिशन का उदाहरण है। नेक्स्ट है टेलीविजन पर हिंसात्मक घटनाओं को देखना बच्चों में हिंसात्मक व्यवहार में शामिल होने की प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है, विशेषतः खेल व्यवहार में। यह बात सबसे अच्छी तरह समझाई गई है किसके द्वारा दोस्तों, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के द्वारा, कि बच्चा जैसा देखेगा, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने एक प्रूफ कर दिया है कि वातावरण ही मेन है, जैसा देखेगा सुनेगा कर अगल बगल वैसा ही वो बन जाता है। नेक्स्ट है नीचे दो कथन दिए गए हैं ए और आर, उसमें से आपको छांटना है। ए है दोस्तों कि क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण यानी फंक्शनल इंटेलिजेंस टेस्ट का प्रयोग पढ़े लिखे व्यक्तियों के अलावा अनपढ़ गूंगे छोटे बच्चों एवं मानसिक रूप से मंदित बच्चों की बुद्धि मापने में आसानी से किया जाता है। ये बात तो सही है। एंड आर है
कि इस तरह की परीक्षा में भाषा का प्रयोग नहीं होता है, ये भी राइट है। इसका मतलब यहाँ पे क राइट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों कथन अभिकथन से प्रकार के टाइप्स के क्वेश्चन इस समय बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, आपके एमपीटेट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है, एक तरफ मनोवैज्ञानिक है और दूसरी तरफ बुद्धि की व्याख्या में प्रयुक्त कारक है, तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्वि कारक सिद्धांत दिया था जिसमें जी एस फैक्टर उनको बोला जाता है, यानी सामान्य कारक और विशिष्ट कारक दो कारक इन्होंने दिया था। एंड थ्रस्टन ने सामान्य प्रधान कारक दिया। एंड थॉर्नडाइक ने विशिष्ट मानसिक क्षमता दिया। एंड कैटल ठोस बुद्धि तथा तरल बुद्धि दिए हैं। तो यहां पे सभी राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 सभी राइट हैं। नेक्स्ट है, स्टर्नबर्ग ने बुद्धि संबंधी प्रक्रिया उन्मुखी घटक उप सिद्धांत में निम्नांकित में किस तत्व को स्पीयरमैन ने जी कारक के मूल्य माना है? जी कारक यानी जनरल फैक्टर। स्पीयरमैन ने दो कारक दिए थे, द्विकारक सिद्धांत, एक सामान्य एक विशिष्ट, जिसमें से स्टर्नबर्ग ने इनके जी फैक्टर को कौन सा सिद्धांत माना है? तो यहां पर राइट हो जाएगा आपका मेटा घटक। क्या हो जाएगा? मेटा घटक को, मेटा कंपोनेंट को। नेक्स्ट है, बुद्धि से संबंधित तीन उप सिद्धांत संदर्भात्मक अनुभवजन्य तथा घटक कंपोनेंट्स का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध है स्टर्नबर्ग से। जैसा कि दोस्तों बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है, तो सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, एक क्वेश्चन आपका आया था, इसलिए सभी क्वेश्चन आपको देखना जरूरी है क्योंकि एक एक नंबर माने रखता है। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा एक बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें घ सम्मिलित नहीं है और सभी सम्मिलित है। पदानुक्रमिक सिद्धांत में कौन है? स्पीयरमैन का सिद्धांत, थ्रस्टन का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ये तीनों सम्मिलित है। नेक्स्ट है, प्रधान मानसिक क्षमता कोर मेंटल कैपेसिटी का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो यह है थ्रस्टन से। नेक्स्ट है, बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत में बुद्धि की तुलना पिरामिड से की गई। पिरामिड के सबसे ऊपरी भाग में है, तो पिरामिड सबसे ऊपरी भाग स्पीयरमैन के जी फैक्टर को रखा गया है, यानी सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, यह किसका मत है कि सामान्य बुद्धि में 7 तरह की क्षमताएं या बुद्धि क्षमताएं पाई जाती हैं? यह है हावर्ड गार्डनर का, क्योंकि दोस्तों बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है हावर्ड गार्डनर ने, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने, एंड बहु फैक्टर्स थ्योरी दिया है थॉर्नडाइक ने, बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर दिया है। नेक्स्ट है, एक मानसिक युक्ति जो इदम के हानिकारक आवेगों को रोकती है तथा चिंता को कम करती है, यह क्या कहलाता है? यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, इम्यून रिस्पांस कहलाता है, जो रोकती है किसी हानिकारक प्रभाव से। जैसे हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने को क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। इस तरह किसी हानिकारक आवेग को रोक रही है तो यह भी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया यानी इम्यून रिस्पांस कहलाएगी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति को अपने आपत्तिजनक आवेगों ऑफेंसिव इंपल्स का दूसरे का आरोपण इंपुटेशन करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रतिरक्षा तंत्र, एक प्रतिक्रिया निर्माण। क्या कहलाता है? प्रतिक्रिया निर्माण, यानी कि रिस्पांस फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, आपको सूची एक में योगदान
और सूची 2 में मनोवैज्ञानिक के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में क्या है, तो आपको देखना है यहाँ पे, सबसे पहले मैं बता दे रही हूं आंसर, यहाँ पे 19 का ख है, ठीक है, 19 का ख है, यानी कि ए का 2। ए क्या है दोस्तों, मनः सामाजिक संकट, इसको दिया हुआ है इरिक्सन ने। बी का 3 यानी आत्म कुशलता को दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत भी दिया है किसने, अल्बर्ट बंडूरा ने। क्रियानिष्ठ अनुसंधान, फंक्शनल रिसर्च को दिया है लेविन ने। एंड 5 कारक प्रतिरूप को दिया है, 5 कारक प्रतिरूप को दिया है मैक्रेई और कोस्टा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों यहां भी सही कौन सा है, इद इगो सुपर इगो को मानव मस्तिष्क में देखा जा सकता है। दूसरा है परा अहम सामाजिक अपेक्षाओं तथा आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। सही बात है, सुपर ईगो मतलब नैतिक मन होता है, अहम का विस्तार विकास इदम से होता है, ये भी राइट है। इदम का उद्देश्य किसी भी तरह से आवश्यकता की संतुष्टि करना होता है। इदम क्या कहता है, किसी भी तरीके से इसको पूरा कर लो, चाहे कोई अच्छा काम हो चाहे बुरा काम, चाहे किसी भी तरीके से, अच्छे बुरे तरीके से, लेकिन ईगो उसको रोकता है, नहीं बाद में कर लेंगे। सुपर ईगो कहता है नहीं, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, ये बताता है। तो यहाँ पे आपका ख ग घ सभी सही है, बट आपका क आपका राइट नहीं है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और सही आंसर दें। तो यहाँ पे हम पहले ही आंसर बता दे रहे हैं, यहाँ पे 2, 3 और 4 सही है, यानी कि पहला है कार्ल जंग के अनुसार अचेतन में व्यक्ति की केवल दमित आकांक्षाएं एवं इच्छाएं होती हैं, न कि मानव जाति की सामूहिक स्मृतियां। ये बात गलत है, अचेतन मन में केवल दमित इच्छा आकांक्षाएं नहीं होती हैं, मानव जाति की सामूहिक स्मृतियां भी होती हैं। ये आपका राइट गलत हो गया। राइट क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा है आपका कि मनो, दूसरा कौन राइट है, राइट है दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है, राइट है। तो यहां पे दूसरा हो जाएगा मनो गत्यात्मक दृष्टिकोण, यानी साइको एनालिटिक रिस्पेक्टिव के अनुसार कुछ घटनाएं हमें चेतन स्तर पर याद नहीं आती, फिर भी हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बोरिंग लग रहा होगा बट ये वीडियो देखना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉरेन हार्नी के अनुसार महिलाओं एवं पुरुषों में अंतर अधिकांशतः सामाजिक कारकों का परिणाम होता है, न कि महिलाओं में स्थित किसी तरह का जन्मजात हीनता के कारण। सही बात है भाई। नेक्स्ट है अल्फ्रेड एडलर की सोच थी कि हर व्यक्ति एक हीनता ग्रंथि या अपर्याप्तता के अनुभव जो बाल्यावस्था में उत्पन्न होते हैं से ग्रस्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट है एक तरह की सुरक्षा युक्ति, क्या है, एक तरह की सुरक्षा युक्ति जिसमें अनचाहे व्यक्ति अपनी विशेषताओं, अभिवृत्तियों, आत्मनिष्ठ यानी सेल्फ रिस्पेक्ट प्रक्रियाओं को दूसरे पर आरोपित करता है। यह क्या कहलाता है दोस्तों, यह कहलाता है 22 का आपका राइट हो जाएगा ग, प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है सूची 1 में संप्रत्यय और सूची 2 में विरोध के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में संप्रत्यय दिया हुआ है, सूची 1 में क्या दिया हुआ है, संप्रत्यय, और सूची 2 में
विवरण दिया हुआ है, तो यहां पे आपका 23 का राइट हो जाएगा ग, यानी कि 1 2 3 4, ए का 1, बी का 2, सी का 3, 4 का 4 आपका राइट है। तो यहां पे हम मिलाते जाएंगे, ए है प्रतिगमन रिग्रेशन। प्रतिगमन रिग्रेशन जो है वह इसका राइट है ए, यानी कि एक सुरक्षा युक्ति जिसमें व्यक्ति जीवन के क्रम में वर्तमान के पीछे के चरण में सीखने वाले व्यवहार की दिशा में घटित होता है, उसको कहते हैं प्रतिगमन यानी रिग्रेशन। एन बी है विस्थापन एंड डिप्लेसमेंट। बी का राइट हो जाएगा 2, बी का राइट होगा 2, यानी कि किसी आवेग को कम भय उत्पादक या सुरक्षित लक्ष्य की ओर निर्देशित करना ही विस्थापन एंड डिप्लेसमेंट कहलाता है। सी है आपका दमन। सी क्या है? दमन, सुप्रेशन। इसका राइट हो जाएगा आपका, इसका राइट हो जाएगा 3। एन ए क्या है? एक सुरक्षा व्यक्ति जिसकी सहायता से व्यक्ति अस्वीकार्य चिंता पैदा करने वाले विचारों और आवेगों को अचेतन में धकेल देते हैं ताकि उनका सीधा सामना न करना पड़े, इसको कहलाता है दमन यानी सुप्रेशन। चौथा है उदात्तीकरण। क्या है? उदात्तीकरण। ए आपका रिलेटेड है चौथा से। किससे? चौथा से। इसका हो जाएगा सुरक्षा व्यक्ति जिसमें सामाजिक रूप से अस्वीकार्य आवेग समाज द्वारा स्वीकार्य व्यवहार के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, वो कहलाता है उदात्तीकरण। क्या है? सुरक्षा व्यक्ति जिसमें सामाजिक रूप से अस्वीकार्य आवेग समाज द्वारा स्वीकार्य व्यवहार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उसे कहते हैं उदात्तीकरण, सब्लिमेशन। नेक्स्ट है फ्रायड के अनुसार स्वप्न का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों फ्रायड के अनुसार स्वप्न का उद्देश्य होता है इच्छा पूर्ति के उपकरण की तरह काम करना। फ्रायड के अनुसार स्वप्न का उद्देश्य क्या है? इच्छा पूर्ति के उपकरण के रूप में तरह काम करना। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवहार में होने वाले क्रियात्मक परिवर्तनों को अध्ययन करने की सबसे उत्तम विधि क्या है? तो इसकी सबसे उत्तम विधि है अनुदैर्ध्य विधि, लॉन्गिट्यूडनल मेथड। अनुदैर्ध्य विधि यानी लॉन्गिट्यूडनल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसा अप्रयोगात्मक शोध विधि जिसमें शोधकर्ता किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है। प्रभाव आश्रित चर होता है तथा पहले बीत चुकी घटनाओं या कारक स्वतंत्र चर होती हैं। इस तरह के शोध विधि को क्या कहा जाता है? तो इस तरह के शोध विधि को कहा जाता है करण तत्व तुलनात्मक शोध विधि। करण तत्व तुलनात्मक शोध विधि, कॉजलिटी कंपैरेबिलिटी रिसर्च मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रकार के अन्वेषणों पर विचार कीजिए। क्या है अन्वेषण? इसका राइट आंसर है अन्वेषण है दोस्तों क्षेत्र प्रयोग, प्रयोगशाला प्रयोग यानी लाइब्रेटरी प्रयोग, कार्यक्षेत्र क्षेत्र प्रयोग अध्ययन। इस शोधकर्ता की द्वितीयक प्रसरण को नियंत्रित करने की योजना के परिप्रेक्ष्य में इन अन्वेषणों की अवरोही क्रम में प्रारूपी अनुक्रमिक व्यवस्था होगी। अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में, बड़ा से छोटा आपको सिक्वेंस में लगाना है। तो इसमें आपका हो जाएगा, इसमें आपका सीक्वेंस होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रयोगशाला प्रयोग करेंगे,
फिर क्षेत्र पर प्रयोग करेंगे, फिर कार्यत्तर क्षेत्र में अध्ययन करेंगे। तो 2-1-3 सीक्वेंस आपका राइट होगा, यहां पे ख राइट हो जाएगा 2-1-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनोवैज्ञानिक बाल शोषण पर शोध कार्य करते हुए परिकल्पना का परीक्षण करना चाहता है कि वे माता पिता जो अपने बच्चों का शोषण करते हैं उनके साथ उनके माता पिता ने उनके बाल्यकाल में अक्सर दुर्व्यवहार किया होगा। तो मनोवैज्ञानिक क्या शोध कार्य करते हैं, क्या परिकल्पना का परीक्षण करना चाहता है कि वे माता पिता जो अपने बच्चों के साथ शोषण कर रहे हैं तो उनके साथ भी उनके माता पिता ने अक्सर दुर्व्यवहार किया होगा तभी ऐसा कर रहे हैं। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, तो यह केस अध्ययन के अंतर्गत आता है। केस अध्ययन विधि इसके लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है, निम्न दो वक्तव्य दिए गए हैं, अभिकथन ए और आर, तो इसको आपको देखना है। अभिकथन ए और आर, तो यहां पे अभिकथन है, ए है कि जीव पारिस्थितिकी के क्षेत्र में शोधकर्ता अक्सर प्राकृतिवादी परीक्षण को एक शोध विधि के रूप में प्रायः पसंद करते हैं। एंड ख है कि प्रकृतिवादी, ए आपका तो सही है, ठीक है। ख और आर है, प्रकृतिवादी परीक्षण प्रेक्षक पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। तो आर दोनों सही है, ठीक है, बट लेकिन ए का आर जो है सही से स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है, सही से स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहां पे आपका कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, ख कि ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, शोधकर्ताओं द्वारा स्वाभाविक रूप से होने वाले व्यवहार को अध्ययन करने के लिए निम्नांकित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। जो शोधकर्ताओं द्वारा स्वाभाविक रूप से होने वाले व्यवहार को अध्ययन करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वह होता है क्रमबद्ध परीक्षण विधि, शॉर्ट टेस्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से किसी परीक्षण की उप प्रक्रिया सब प्रोसेस नहीं माना जाता है। तो यहां पे सामान्यीकरण को नहीं माना जाता है, जनरलाइजेशन को नहीं माना जाता है, उसके अलावा रिकॉर्डिंग्स यानी अभिलेखन को माना जाता है, एंड उत्तेजना उत्तेजन यानी स्टिमुलेशन को माना जाता है, चयन यानी सिलेक्शन को माना जाता है। नेक्स्ट है, व्यक्तियों के व्यवहारों में क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सा है, तो यहां पे राइट हो जाएगा अंग्रेज विधि यानी लॉन्गिट्यूडनल मेथड। नेक्स्ट है, यदि किसी शहर का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस है जबकि पिछले साल आज ही के दिन उस समय शहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था, तो इससे हम निम्न में से किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों इसमें हम पहुंचते हैं ख, जाहिर सी बात है, सरल क्वेश्चन है, आज का तापमान पिछले साल के तापमान की तुलना में 2 गुना अधिक है। पिछले 40 था तो अब 80 है, तो 2 गुना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उत्तम परीक्षण कराने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों एक उत्तम परीक्षण कराने के लिए रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड स्टैंडर्ड, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स, ये सब चीजें जरूरी होती है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में टेस्ट एंड मेजरमेंट इवैल्यूएशन के पार्ट में पढ़ाया हुआ है, वहां पे उस प्लेलिस्ट को जाइए और देख लीजिए पूरा चेकआउट करके। तो एक उत्तम परीक्षण कराने के लिए क्या आवश्यक है, इस ऑप्शन में आपको छांटना है। तो यहाँ पे एक उच्चतम विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी होना चाहिए, उच्चतम वैधता यानी वैलिडिटी होना चाहिए, रिलायबिलिटी यानी कि बार बार परीक्षण करने का परिणाम एक ही आना चाहिए, वैलिडिटी यानी वैधता मतलब कि जिस चीज के लिए बनाया गया है वही नापे, अन्य दूसरा नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ, क और ख दोनों राइट हो जाएगा, यानी कि रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी।
नेक्स्ट है, निम्न में से किससे परीक्षण की विश्वसनीयता का माप होता है? तो दोस्तों विश्वसनीयता का माप किससे होता है? इसमें विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी की माप इसमें किसमें होता है? तो सहसंबंध निकाला जाता है, ठीक है, सहसंबंध गुणांक हाई कोरिलेशन कोफिशिएंट के द्वारा सहसंबंध अच्छा है तो माना जाएगा रिलायबल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की उपयोगिता होती है, तो इसकी उपयोगिता नैदानिक परिस्थिति यानी डायग्नोस्टिक सिचुएशन में होती है। नेक्स्ट है परीक्षण की उस क्षमता को मापने का गुण जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया था, तो क्या कहलाता है दोस्तों? परीक्षण को जिस चीज के लिए बनाया गया है वही चीज मापे तो उसे हम कहते हैं वैधता यानी वैलिडिटी। क्या बोलते हैं? वैधता यानी कि वैलिडिटी। नेक्स्ट है किसी परीक्षण को एक बड़े प्रतिदर्श पर क्रियान्वयन करना तथा उसके प्राप्तांकों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मानकीकरण, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन। किसी परीक्षण को एक बड़े प्रतिदर्श पर क्रियान्वयन करना तथा उसके प्राप्तांकों का मूल्यांकन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, कि कौन कितने स्थान पर है, कौन कितने स्थान पर है ये मूल्यांकन किया जाता है, उसको स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है एक दिए गए समय में प्राप्तांकों यानी स्कोर में संदर्भता का मूल्यांकन कहा जाता है, तो दोस्तों यह कहा जाता है परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। क्या कहा जाता है? टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है वैधता का वह प्रकार जिसमें परीक्षण प्राप्तांक वर्तमान व्यवहार से संबंधित होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समवर्ती वैधता। अंतर विषय, पूर्व कथनात्मक और रचनात्मक ये सभी हैं वैधता के प्रकार, बट वर्तमान व्यवहार से संबंधित जो होता है प्राप्तांक उसे कहते हैं समवर्ती वैधता। नेक्स्ट है चिंतन, ज्ञानार्जन, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, समस्या समाधान, भाषा आदि से संबंधित मानसिक क्रियाओं का विकास किन कारकों से प्रभावित होता है? तो दोस्तों यह होता है संज्ञानात्मक कॉग्निटिव कारकों से, संज्ञानात्मक कारकों से। जहां चिंतन ज्ञान अर्जन शब्द आए वो संज्ञानात्मक उस ऑप्शन में दिख जाए तो वही ऑप्शन आप टिक करिएगा। नेक्स्ट है क्रांतिक अवस्थाओं का विचार इस निरीक्षण पर आधारित है कि, किस निरीक्षण पर आधारित है? आपका क राइट हो जाएगा कि क्रांतिक अवस्थाओं का विचार इस निरीक्षण पर आधारित है कि कुछ उत्तेजकों का प्रभाव विकास की कुछ अवस्थाओं में अत्यधिक पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संदर्भ में बच्चों की विकास को समझने के लिए किसने पारिस्थितिकी मॉडल सिचुएशनल मॉडल प्रस्तुत किया? भारतीय संदर्भ में बच्चों की विकास को समझने के लिए पारिस्थितिकी मॉडल किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? तो वो किया दुर्गानंद सिन्हा ने। किसने किया? दुर्गानंद सिन्हा ने। क्या किया? भारतीय संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए पारिस्थितिकी मॉडल को प्रस्तुत किया दुर्गानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डी टूटने का तुरंत क्या उपचार है? तो दोस्तों हड्डी टूटने का तुरंत उपचार है कि चोट वाले भाग की हलचल को तुरंत बंद करें। नेक्स्ट है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ होती है? तो दोस्तों कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत एरोबिक एनारोबिक दो क्रियाएं श्वसन होती हैं, जिसमें से जो अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है वो सार्कोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, जहां पे 2 एटीपी का निर्माण होता है, 2 पाइरूविक अम्ल का। फिर वो जाता है माइटोकांड्रिया में, माइटोकांड्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण जड़ होता है जिसमें 36 एटीपी बनता है। इस प्रकार एनएरोबिक और एरोबिक दोनों मिलाकर के कुछ 38 एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं? तो दोस्तों एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में
छह कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। कितने होते हैं? छह कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने एटीपी के बराबर ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 38 एटीपी। कितने एटीपी? 38 एटीपी। एक ग्लूकोज के जारण से मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में 2 एटीपी एंड क्रेब्स चक्र में 36, दोनों मिलाकर कितना हुआ? 38। यानी कि एक ग्लूकोज के पूर्ण जारण से 38 एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है एपी यानी ईपीईई का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, इसका संबंध है तलवारबाजी से। एपी एपी तलवार का प्रकार है। एपी और दो और प्रकार है, याद नहीं आ रहा है अभी, मैं कभी बता दूंगी। तो तलवारबाजी से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्राप्त होने से लैक्टिक एसिड जो है पाइरूविक एसिड परिवर्तित हो जाता है? तो दोस्तों, निम्न में से किसके प्राप्त होने से लैक्टिक एसिड पाइरूविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है? तो यह होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्राप्त होने से, बिना ऑक्सीजन के अनएरोबिक में क्या है? लैक्टिक एसिड जमता है, लेकिन ऑक्सीजन एरोबिक में लैक्टिक एसिड नहीं पाया जाता है। जब एरोबिक ऑक्सीजन मिलता है तो लैक्टिक एसिड जो है वो परिवर्तित हो जाता है पाइरूविक एसिड में। नेक्स्ट, ट्राइथलॉन खेल में निम्न में से कौन सा खेल नहीं होता? ट्राइथलॉन में 3 इवेंट होते हैं दोस्तों। कौन कौन से 3 इवेंट होते हैं? क्रॉस कंट्री एंड तैराकी, फ्री स्टाइल एंड साइकिलिंग। तो यहाँ पे कौन नहीं है पूछा है? तो क्रॉस कंट्री है, ओपन वाटर यानी कि फ्री स्टाइल स्विमिंग है, साइकिलिंग है, बट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, चाहे आप हेप्टाथलॉन, डेकाथलॉन, ट्राइथलॉन, पेंटाथलॉन, इन चारों के बारे में जानने के लिए एथलेटिक वाले प्लेलिस्ट में जाइए और इस वीडियो को देखिए, और सभी ट्रिक के साथ बताया गया है, सीक्वेंस के साथ बताया गया है, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, ये था आपका 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। कुछ कठिन क्वेश्चन जरूर थे आज के, जिसको आंसर देने में आपको बहुत दिक्कत हुआ होगा, लेकिन दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं जो आपकी समझ के बेस पे होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हल जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया कीजिए दोस्तों, जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। एंड दोस्तों, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।